नमस्कार, मैं विशाल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आई एम टी मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। आज के दिन सन 1991 में तमिलनाडु के श्री पेरुम्बदूर में आत्मघाती बम हमले में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या हुई थी। भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को हुआ था। उनकी हत्या एक आतंकवादी संगठन लिट्टे द्वारा मानव बम से की गई। राजीव गांधी की राजनीति में कोई रुचि नहीं थी और वो एक एयरलाइंस में पायलट की नौकरी करते थे। 1980 में अपने छोटे भाई संजय गांधी की एक हवाई जहाज दुर्घटना में असामयिक मृत्यु के बाद माता इंदिरा गांधी को सहयोग देने के लिए सन 1982 में राजीव गांधी ने राजनीति में प्रवेश लिया। वो अमेठी से लोकसभा का चुनाव जीतकर सांसद बने। 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या इंदिरा गांधी के बॉडीगार्ड द्वारा कर दी गई। उसके बाद राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री बने। आज के दिन सन 1904 में पेरिस में फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ फीफा की स्थापना हुई थी। फीफा फुटबॉल का अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण निकाय है। इसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। फीफा फुटबॉल के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का आयोजन कराता है। सबसे उल्लेखनीय फीफा विश्व कप का आयोजन 1930 से कर रहा है। फीफा विश्व कप एक अंतर्राष्ट्रीय संघ फुटबॉल प्रतियोगिता है। 1930 में उद्घाटन टूर्नामेंट के बाद हर 4 साल में इसे आयोजित किया जाता है। केवल 1942 और 1946 में द्वितीय विश्व युद्ध के कारण इसे आयोजित नहीं किया गया था। आज के दिन सन 2003 में विश्व के 190 से भी अधिक देशों ने तंबाकू के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय संधि को जिनेवा में मंजूरी दी। संधि के तहत विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से एक ऐतिहासिक धूम्रपान विरोधी समझौता किया। इसके तहत तंबाकू के विज्ञापनों और स्पॉन्सरशिप पर कड़े प्रतिबंध लागू किए गए। ऐसा लग रहा था कि यह संधि कभी भी पारित नहीं हो सकेगी। बड़े तंबाकू उद्योगों वाले देश अमेरिका और जर्मनी इसका विरोध करते आए हैं, लेकिन आखिरी घड़ी पर विकासशील देशों के भारी दबाव के बाद अमेरिका और जर्मनी ने भी इस संधि को अपनी मंजूरी दे दी। इस समझौते के तहत तय किया गया कि 5 वर्षों के अंदर तंबाकू के विज्ञापनों और प्रायोजनों पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। सिगरेट के पैकेटों पर कम से कम 1/3 हिस्से पर धूम्रपान से सेहत को पहुंचने वाले नुकसान के बारे में चेतावनी देना आवश्यक होगा, जिसमें धूम्रपान से रोगग्रस्त फेफड़ों की तस्वीरें भी शामिल होंगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुमान है कि हर वर्ष 50 लाख लोगों की धूम्रपान से जुड़ी बीमारियों के कारण मौत हो जाती है। आज के दिन सन 1994 में सुष्मिता सेन 43वें मिस यूनिवर्स के पुरस्कार से नवाजी गईं। ब्रह्मांड सुंदरी यानी मिस यूनिवर्स संगठन द्वारा आयोजित की जाने वाली वार्षिक अंतरराष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता है। प्रतियोगिता को 1952 में कैलिफोर्निया स्थित कपड़ा कंपनी पैसिफिक मिस द्वारा स्थापित किया गया था। यह प्रतियोगिता कैसर रॉथ और बाद में गल्फ एंड वेस्टर्न इंडस्ट्रीज का हिस्सा बनी। वर्ष 1996 में इसे डोनाल्ड ट्रंप ने अधिग्रहित कर लिया। अपने प्रतिद्वंदी मिस वर्ल्ड की तरह दुनिया की सबसे अधिक प्रचारित सौंदर्य प्रतियोगिताओं में से यह एक है। पहली ब्रह्मांड सुंदरी प्रतियोगिता लॉन्ग बीच में सन 1956 में आयोजित की गई थी। फिनलैंड की अर्मी कुसेला ने प्रथम ब्रह्मांड सुंदरी खिताब जीता था। आज के दिन सन 1931 में भारत के प्रसिद्ध व्यंग्य रचनाकार शरद जोशी का जन्म हुआ था। शरद जोशी ने आरंभ में कुछ कहानियां लिखी, फिर पूरी तरह व्यंग्य लेखन ही करने लगे। इन्होंने व्यंग्य लेख, व्यंग्य उपन्यास, व्यंग्य कॉलम के अतिरिक्त हास्य व्यंग्यपूर्ण धारावाहिकों की पटकथाएं और संवाद भी लिखे। हिंदी व्यंग्य को प्रतिष्ठा दिलाने वाले प्रमुख व्यंग्यकारों में शरद जोशी भी एक हैं। इनकी रचनाओं में समाज में पाई जाने वाली सभी विसंगतियों का विवाह चित्रण मिलता है। 5 सितंबर 1991 को 60 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर भेंट होगी इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। और अब आज का राशिफल। आज का राशिफल ज्योतिष विज्ञानी गुरुदेव भारत ज्ञान भूषण जी के द्वारा 21 मई दिन बृहस्पतिवार। आज का विषय है ज्ञान विद्या। मेष, आपके ज्ञान विद्या के लिए भाग्य 75%। सितारे आपके साथ हैं। कैरियर के लिए समय अच्छा है। पद एवं सम्मान में वृद्धि होगी। प्रोफेशनली आपकी स्थिति सामान्य रहेगी। आपके शत्रु पराजित होंगे। ऋण भार से मुक्ति मिलेगी। पराक्रम एवं उत्साह में वृद्धि के योग हैं। शुभ रंग सिंदूरी पीली, निषेध रंग हरावे नीला। कोरोना से बचाव बढ़ाएं स्वभाव ऐसे, माथे पर केसर या हल्दी का जल लगाएं। वृष, आपके ज्ञान विद्या के लिए भाग्य 50%। समय उत्तम है। जीवन में सुख शांति बढ़ेगी। प्रॉपर्टी के मामलों में फायदा होने के योग हैं। आपके ज्ञान विद्या के लिए प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए बेहतरीन समय चल रहा है। पारिवारिक समस्याओं से मुक्ति के योग हैं। शुभ रंग सफेद बसंती, निषेध रंग जामनी वे काला। कोरोना से बचाव बढ़ाएं स्वभाव ऐसे, अपनी नाक अच्छी तरह साफ करें। मिथुन, आपके ज्ञान विद्या के लिए भाग्य 53%। व्यापार से जुड़े फैसले भावनाओं में बहकर ना लें। आपके व्यर्थ के विवाद संबंधों में कटुता का कारण बन सकते हैं। निराशा एवं नकारात्मक सोच से मुक्ति के योग हैं। शुभ रंग हल्का हरा धानी, निषेध रंग सिंदूरी। कोरोना से बचाव बढ़ाएं स्वभाव ऐसे, हरि पूजन अथवा ब्रह्मा जी का ध्यान करें। कर्क,
आपके ज्ञान विद्या के लिए भाग्य 75%, मांगलिक कार्यक्रमों में भाग ले सकते हैं, समय आपके अनुकूल है। नौकरी में आपकी पहचान पर थोड़ी धूल पड़ सकती है। कार्यों में रुकावटों के योग हैं, शुभ रंग पीला सफेद, निषेध रंग हरावे काला। कोरोना से बचाव बढ़ाएं स्वभाव, ऐसे पीपल पर जल चढ़ाएं। सिंह, आपके ज्ञान विद्या के लिए भाग्य 78%, उत्साह एवं पराक्रम बढ़ा चढ़ा रहेगा। शीघ्र ही समस्याओं का निस्तारण होगा। कोई भी निर्णय लेने से पहले परिजनों में किसी अंतरंग अथवा विश्वासवाद व्यक्ति की सलाह लेना जरूरी होगा। किसी मनोकामना पूर्ति के योग हैं, शुभ रंग लाल पीला, निषेध रंग काला नीला हरा। कोरोना से बचाव बढ़ाए स्वभाव, ऐसे पीले फूल आसपास रखें। कन्या, आपके ज्ञान विद्या के लिए भाग्य 57%, बेहतर परिणाम प्राप्त होगा। परिवार और आर्थिक स्थिति के मामले में भी सहजता बनाए रखने के लिए सजग रहना होगा। धैर्य की आवश्यकता है क्योंकि पूर्ण अनुकूल समय नहीं आया है। रुके हुए कार्यों में प्रगति के योग हैं, शुभ रंग हल्का हरा, निषेध रंग पीला वे बसंती। कोरोना से बचाव बढ़ाएं स्वभाव, ऐसे अच्छे लोगों का ख्याल करें। तुला, आपके ज्ञान विद्या के लिए भाग्य 50%, आपको कार्य से छुट्टी पर जाना पड़ सकता है। कर्मचारियों एवं साझेदारों से कतिपय समस्याएं परेशान कर सकती हैं। जीवन साथी वे बच्चों से संबंध सामान्य रहेंगे। कार्यों में आ रही रुकावटों के दूर होने के योग हैं, शुभ रंग सफेद बसंती, निषेध रंग काला वे नीला। कोरोना से बचाव बढ़ाएं स्वभाव, ऐसे चने की दाल का दान करें। वृश्चिक, आपके ज्ञान विद्या के लिए भाग्य 78%, अपने विवेक का प्रयोग करें, वरिष्ठ व्यक्ति की सलाह माने, सफलता प्राप्ति के योग हैं। बाहरी सहयोग से कार्य होंगे, नए कार्य की शुरुआत हो सकती है, दुर्घटना के योग बन रहे हैं। शुभ रंग सिंदूरी पीला, निषेध रंग हरा काही। कोरोना से बचाव बढ़ाएं स्वभाव, ऐसे भूमि में सौंफ अर्जित करें। धनु, आपके ज्ञान विद्या के लिए भाग्य 77%, पेशेवर स्तर पर अपनी क्षमता साबित करने में सफल रहेंगे। नौकरी में पदोन्नति के योग बन रहे हैं, इस समय आपको अपना फोकस बनाए रखने की जरूरत है। भाग्य का सहयोग न मिलने के योग हैं, शुभ रंग पीला बसंती मस्टर्ड, निषेध रंग हरा धानी वे काही। कोरोना से बचाव बढ़ाएं स्वभाव, ऐसे कन्याओं का विशेष ख्याल करें। मकर, आपके ज्ञान विद्या के लिए भाग्य 48%, आध्यात्मिकता और योग मानसिक व्यग्रता दूर करेंगे। योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने की प्रवृत्ति रहेगी। भाग्य का पूर्ण सहयोग मिल रहा है। आप नए क्षेत्रों में कार्य करने के लिए प्रवृत्त होंगे। चली आ रही समस्याओं से मुक्ति के योग हैं, शुभ रंग बसंती, निषेध रंग जामनी। कोरोना से बचाव बढ़ाएं स्वभाव, ऐसे श्रेष्ठ व्यक्तियों से आशीर्वाद लें। कुंभ, आपके ज्ञान विद्या के लिए भाग्य 49%, विदेश जाने की योजना बना रहे हैं तो उसमें अवरोध आ सकता है। ससुराल में किसी महत्वपूर्ण कार्य की सिद्धि होगी। स्थायी संपत्ति में धन निवेश के योग हैं, आपकी वाणी में कर्कशता अधिक रहेगी। भाग्य वृद्धि के योग हैं, शुभ रंग बसंती, निषेध रंग काला। कोरोना से बचाव बढ़ाए स्वभाव, ऐसे गणेश उपासना लाभकारी। मीन, आपके ज्ञान विद्या के लिए भाग्य 78%, उपलब्धियों के योग बन रहे हैं। कोई महत्वपूर्ण कार्य सिद्ध हो सकता है। पुराने दोस्तों के साथ भी समय बीतेगा। घरेलू समस्या से ग्रह रहने के योग हैं, शुभ रंग पीला मस्टर्ड बसंती, निषेध रंग हरा काही धानी। कोरोना से बचाव बढ़ाएं स्वभाव, ऐसे सिर ढककर रखें। सभी के लिए दिन का नकारात्मक प्रभावी समय दोपहर 2:06 से दोपहर 3:51 तक। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें ज्योतिष वैज्ञानिक गुरुदेव भारत ज्ञान भूषण जी को 0121266888 या 0983706004 पर। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर भेंट होगी नई और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए IMT मीडिया। Thank you.